दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। भुवनेश्वर महादेव मंदिर यूं तो नैना टिक्कर सहित पूरे सिरमौर जिला के लिए आस्था का केंद्र है, परंतु इन दिनों हिमाचल के अन्य जिलों सहित बाहरी राज्य पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली इत्यादि से भारी संख्या में पर्यटक एवं श्रद्धालु भुवनेश्वर महादेव मंदिर पहुंच रहे हैं। यहां शनिवार तथा रविवार को पर्यटकों की संख्या में कई गुना इजाफा हो गया है। हालांकि लोगों ने मांग की है कि भुवनेश्वर महादेव तक पहुंचने वाली सड़क को जल्द से जल्द पक्का किया जाए तथा यहां पर अन्य मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाए और आने वाले समय में इसे एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए। मैं यहीं लोकल रहा हूं, यहां का व्यू बहुत अच्छा है और यहां हम आते रहते हैं। ये आस्था का केंद्र है, यहां सभी लोगों को आना चाहिए। थैंक यू। सिंह है, मैं रेणुका जी से आया हूँ और मेरा फ्रेंड सर्कल यहाँ आया। हम घूमने आए थे एक दिन के ट्रिप के लिए और यहाँ जैसे देखा तो व्यू बहुत अच्छा है देखने के लिए। हवा ठंडी चली है और क्लाइमेट बहुत अच्छा है, पर यहाँ थोड़ी सी जो कमी दिखी मुझे आते हुए, हमने जैसे रास्ते में देखा तो यहाँ पे जैसे रोड की सुविधा वैसे तो अच्छी है, पर अगर इसमें मेटलिंग हो जाती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि आने के लिए टूरिस्ट कोई भी आता है या श्रद्धालु कोई भी मंदिर के लिए आता है तो उसके लिए अच्छी सुविधा हो जाती है। और दूसरी थोड़ी कमी मुझे नज़र आई, टॉयलेट की सुविधा यहाँ बहुत जो ज़रूरी होनी थी, क्योंकि इतना अच्छा तीर्थ स्थल हमारे पास है, हमारे सिरमौर के पास है हिमाचल में, तो इस तीर्थ स्थल को और अच्छा बनाने के लिए हमें यहाँ स्वच्छता के लिए भी थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि स्वच्छता कूड़ादान वगैरह यहाँ होना चाहिए। यहाँ का जो प्रशासन है उसको इसके बारे में सोचना जरूरी है। थैंक यू। आए हैं और पहले भी यहाँ से रहते हैं, मेरा पुराना फ्रेंड रहता है यहाँ पर, तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके। वेदर और वेदर के अलावा एक तीर्थ स्थान के तौर पे भी काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ, और शांति बहुत मिलती है, शांति बहुत मिलती है, बड़ा पीसफुल एरिया है, काफ़ी अच्छा लगता है। बाबा की जय। हम यमुना नगर से आए हैं जी, मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ। मेरी दीदी हैं ये जो मोहाली से है, हमें ले के यहाँ पे आए। हमने यहाँ से जो भारत की पंडित जी से सुनी इनकी महानता, कुछ पत्थर इतना बढ़िया जहाँ पे सुना नृत्य होता है किसी दिन यहाँ पर, और कोई सिक्के भी गिरते हैं मनोकामना पूरी करने के लिए जी। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति जिस भाव से उसकी पूरी मनोकामना पूरी होती है जी, ये यहाँ की खास बात है। और जो यहाँ का वातावरण है और जो यहाँ के लोग हैं बहुत प्यारे, मिलनसार, अच्छे हैं जी। हम बहुत खुश हैं, हम कहते हैं कि बाकी लोग भी यहाँ पर आएँ, पर एक रिक्वेस्ट गुजारिश है या गंदगी ना पाए बिल्कुल पता, क्योंकि यहाँ हमने कल देखा कि लोग आए थे कहीं पंजाब से बताऊँ जी, उन्होंने कहीं फंक्शन किया था अपना पहाड़ी में जाके, वहाँ पनिया बोतलें गिर दी, हमने को उठाया वहाँ जाके उनको बताऊँ। ये रिक्वेस्ट आपसे है, सब यहाँ पे आओ, भक्ति भाव से आओ, बट गंदगी ना पाओ यहाँ पे। ये है हम सब बताऊँ। बोले बाबा की जय। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नैना टिक्कर से हेमंत गर्ग की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है, इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।